अब आप कहोगे कि साहब हम तो सबसे प्रेम करते हैं, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करते हैं, तो एक कलीसिया के लोग दूसरे कलीसिया से क्यों नहीं मिलते हैं, एक कलीसिया के पास्टर दूसरे कलीसिया के पास्टर से क्यों नहीं मिलते हैं, क्यों भेदभाव रखते हैं, क्यों कहते हैं कि साहब वो पास्टर हमारी कलीसिया में नहीं आना चाहिए, उस पास्टर से तुम दुआ नहीं कराओगे, इससे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से दूसरे खंड में हम बात कर रहे हैं 7 कलीसियाओं के नाम पत्र। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक से जब हम इस चीज को पढ़ते हैं तो थुआतीरा की कलीसिया का ये दूसरा भाग है। पिछले संदेश में हमने थुआतीरा के प्रथम भाग में से इन पॉइंटों के विषय में सीखा था, थुआतीरा की कलीसिया का परिचय, थुआतीरा या इतिहास, थुआतीरा के नाम का अर्थ, थुआतीरा का समय काल, थुआतीरा के दूत के विषय में और मसीह का परिचय, इनके बारे में हमने सीखा था। आज हम सीखेंगे थुआतीरा के भाग, कुछ भाग है, दूसरा भाग है, उसके कुछ पॉइंट के विषय में बातचीत करेंगे। आप प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 18 से 29 पद तक थुआतीरा की कलीसिया के बारे में पढ़ सकते हैं। आज विशेष तौर से हम 2 पॉइंट को देखेंगे, 6ठा और 7वां जो पॉइंट है, मसीह उस दूत के काम को जानता है, मसीह द्वारा दूत के कामों की प्रशंसा करना। हम पहले इसका जो है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 19 पद पढ़ेंगे। मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं और ये भी जानता हूं कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। देखिए यहां पर क्या है, इस पद में प्रभु यीशु मसीह जो है दूत के काम को जानता भी है और दूत के काम की प्रशंसा भी कर रहा है। दोनों काम जो है यहां पर हो रहे हैं, इसलिए ये दोनों पॉइंट हमने लिए हैं। मगर इससे पहले कि हम इसको देखें, उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करें, हम इसकी एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। जैसे हमने पहले भी कहा कि अगर आप कोई भी बाइबल का पद पढ़ते हैं या कोई पाठ पढ़ते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं तो उनकी आप रूपरेखा तैयार कर लीजिए ताकि आपको उसको समझने के में जो है आसानी होगी। कभी मैं आपको बताऊंगा किताब का या पाठ का कैसे रूपरेखा तैयार की जाती, परंतु इन पर इस पद की रूपरेखा मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला तेरा काम, दूसरा तेरा प्रेम, तीसरा तेरा विश्वास, चौथा तेरी सेवा, पांचवा तेरे धीरज को। अब इनके बारे में जो है परमेश्वर का वचन जो है क्या बातचीत करता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, तेरे काम को। जब हम कामों की बात करेंगे तो सबो उपदेशक 9 अध्याय उसके 10वें पद में क्या लिखा है, जो काम तुझे मिले उसे अपने शक्ति भर करना, क्योंकि अधलोक में जहां तू जाने वाला है ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान और ना बुद्धि है। देखिए जो भी काम हमें मिले हैं, ये पर जो भी काम, बुद्धि है, समझ है, ज्ञान है, युक्ति है, जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये सब परमेश्वर का आत्मा जो है ये सारे काम कराता है। और जब हम मर जाते हैं तो आत्मा फिर जो है उसका संबंध आत्मा से यानी परमेश्वर के आत्मा से नहीं रहता, फिर तो वो न्याय के दिन तक के लिए जो है वो अधलोक में चला गया। जब प्रभु आएगा, अगर वो प्रभु में मरा है तो पहले जी उठेगा, और अगर वो प्रभु में नहीं मरा है तो दूसरी बार वो जी उठेगा, और वो तब क्या होगा, वो आग की झील में जाने के लिए होगा अगर प्रभु में नहीं होगा तो। दूसरा यहां पर जो पॉइंट हमने लिया था, तेरा प्रेम। अब तेरे प्रेम की बात करते हैं, पहला कुरंथियों 13 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। देखिए सबसे पहली बात क्या है, आज आपने देखा होगा बहुत से लोग बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े चमत्कार, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से कैंसर सही कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। मगर यहाँ बड़े ध्यान देने की बात है, परमेश्वर का वचन कह रहा है आप कितनी भविष्यवाणी करें, आप कितने भेदों को जानते हो परमेश्वर के, आप कितना ज्ञान परमेश्वर का रखते हो, आप को पूरा विश्वास हो जाए कि आप पहाड़ों को भी हटा देंगे यीशु मसीह के नाम से, ये भी हो जाएगा। परंतु परमेश्वर का वचन एक बात कह रहा है, यदि आप प्रेम नहीं रखेंगे तो आप कुछ भी नहीं है, आपने कुछ भी कर लिया, परमेश्वर के राज के वारिस नहीं हो सकते। क्योंकि परमेश्वर का पूरा प्रेम जो है, बाइबल जो है प्रेम पर आधारित है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर का वचन भी कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, और इसलिए प्रेम होना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
अब आप कहोगे कि साहब हम तो सबसे प्रेम करते हैं, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करते हैं, तो एक कलीसिया के लोग दूसरे कलीसिया से क्यों नहीं मिलते हैं, एक कलीसिया के पास्टर दूसरे कलीसिया के पास्टर से क्यों नहीं मिलते हैं, क्यों भेदभाव रखते हैं, क्यों कहते हैं कि साहब वो पास्टर हमारी कलीसिया में नहीं आना चाहिए, उस पास्टर से तुम दुआ नहीं कराओगे, इससे नहीं कराओगे, तो इसका मतलब क्या है? प्रेम है नहीं। सीधी सी बात है, चाहे वो पास्टर हो या कलीसिया के अगुए हो या कलीसिया के लोग हो, ये सब जो ये इस प्रेम नहीं है, क्योंकि अगर प्रेम है तो हम सब एक हैं, हम मसीह की एक बॉडी हैं, और वो चीज हम नहीं है, और इसलिए जो है हम कुछ भी करते रहे हम कुछ भी नहीं है, परमेश्वर के राज के वारिश नहीं है। परमेश्वर का वचन ये बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है, क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। फिर तीसरे नंबर पर है तेरा विश्वास। इब्रानियों 11:1 में जब आप पढ़ेंगे, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। देखिए अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण क्या का मतलब क्या है? जो भी एविडेंस जिसको बोलते हैं, प्रमाण का मतलब है। अब क्या है? हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, परमेश्वर को नहीं देखा, परमेश्वर के आत्मा को नहीं देखा, स्वर्ग नहीं देखा, नरक नहीं देखा, मगर हम विश्वास करते हैं। ये हमारे लिए क्या है? ये सब अनदेखी वस्तुएं हैं, जिन चीजों को हमने नहीं देखा है, तो परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा हम मानते हैं, हाँ ये है और कार्य करते हैं और परमेश्वर ने इनको स्थित किया है, बनाया है, ये सब कुछ है। तो इसका मतलब है हम विश्वास करते हैं, तो ये हमारा विश्वास है। और चौथे नंबर पे है तेरी सेवा, रोमियो 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारी आत्मिक सेवा क्या है? हम लोग कहते हैं कि हम साहब ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, वैसा काम कर रहे हैं, नहीं, हमारी आत्मिक सेवा क्या है? सबसे पहली बात कि हमें जो है, हमें अपने शरीर को जीवित जीवित बनाने का मतलब कि यीशु मसीह हमारा जीवन है, वह हमारे अंदर दिखाई देना चाहिए, क्योंकि लिखा है ना फिलिप्पियों 2:5 उसके 5 पद में, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी होना चाहिए। हम आत्मिक सेवा कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, वो स्वभाव जो है वो दिखाई देना चाहिए और हम अपने आप को पवित्र बनाएं, क्योंकि 1 पत्रस 1:16 उसके 16वें पद में क्या लिखा है? यीशु मसीह कहता है कि लिखा है क्योंकि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो, यीशु मसीह की तरह पवित्र बनना है और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके जब चढ़ाएंगे तो वो जो सेवा होगी ये आत्मिक सेवा है हमारी। सही माने में आप कितना प्रचार कर लीजिए, कितना बाइबल सुना लीजिए, कितना आप दुष्ट आत्माओं को निकाल लीजिए, कितना आप मरीजों को ठीक कर लीजिए, मगर आत्मिक सेवा जब इस तरीके से जब तक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं। और जब इस तरीके से आत्मिक सेवा होगी तो हम किसी भी प्रकार का, किसी भी कलीसिया का, किसी भी लोगों का भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु ने कभी भेदभाव नहीं करा। और 5वां है तेरे धीरज को, याकूब 1:4 में लिखा, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि धीरज को काम करने दे। धीरज है क्या? धीरज पवित्र आत्मा का जो है वो फल है, यानी पवित्र आत्मा को हम काम करने दे, जिससे क्या लिखा हुआ है कि हम क्या है, हम पूरे और सिद्ध हो जाए, सबसे बड़ी चीज है, और हम में किसी भी बात की जो है वो घटी नहीं रहे। जब आत्मा काम करता है ना तो किसी भी बात की घटी नहीं होती, तो आत्मा को काम करने दे, परमेश्वर का वचन जो है ये कहता है। फिर अब वो जो है उसकी क्या करता है, वो प्रशंसा करता है, इस बात की प्रशंसा करता है कि मैं ये जानता हूं कि तेरे पिछले काम पहलों से क्या है, बढ़कर है। तो ये हमने 6 और 7 जो है हमने इसके पॉइंट लिए थे, परंतु 8वां पॉइंट जो है वहां क्या लिखा है, मसीह द्वारा थुआतीरा के दूत के काम की निंदा करना। इसका जो है प्रकाशित वाक्य 2:20-21 मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। पर मुझे तेरे विरोध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्योक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्ति के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। अब यहां पर क्या है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मुझे तेरे विरोध में कहना है, क्या कहना है कि तू ऐसे लोगों को रहने देता है जो मूर्ति पूजक हैं और जो व्यभिचारी लोग हैं और जो ऐसे लोग हैं, क्या करता है तू उनको रहने देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो इसाबेल जो है वो एक भविष्यवक्ति ना अपने आप को कहती परंतु है नहीं, और उसने बहुत से दासों के साथ व्यभिचार किया और उनको जो है मूर्ति के आगे चढ़ाई गई वस्तुओं को खाना खिलाकर उनको भरमाती थी। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैंने उसको मन फिराने का अवसर दिया
परंतु उसने क्या करा, मन नहीं फिराया। अब ध्यान दीजिएगा, पहले हम इजाबेल के बारे में जानेंगे कि वो है कौन। जब आप पहला राजा 16 अध्याय उसका 31 पद पढ़ेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, इजाबेल सिद्योनियों के राजा एतबाल की बेटी इजाबेल थी। इजाबेल सिद्योनियों की जाति की थी जिससे परमेश्वर घृणा करता था, और ये एक शापित जाति थी। और हाब राजा ने क्या करा, इसी से शादी करी इसे। और परमेश्वर का वचन कहता ना कि तू अन्य जातियों में ना तो स्त्री ब्याना और ना लेना उनसे। परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ इस बात को कहता है। ये सिद्योनियों की जो जाति है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, ये समझने की वाली बात है, जो परमेश्वर जो है घृणा करता है इससे। जब आप उत्पत्ति 10 अध्याय उसका 15वां पद पढ़ेंगे तो सिद्योनी जाति की जो उत्पत्ति है वो कनान जो हाम का पुत्र था उससे हुई है। अब ये कनान जो था हाम का पुत्र है, ठीक है, हाम के पुत्र से जो वंश चला है ये उससे जो है सिद्योनी जाति पैदा हुई है। अब ये कनान कौन था, ये कनान वो व्यक्ति था। देखिए, जब जल प्रलय हुई तो जल प्रलय में सिर्फ नूह का परिवार बचा, उसके 3 बेटे, उन बेटियों की बीबियां और नूह की खुद की पत्नी, यानी 8 प्राणी जो थे वो बच गए थे। और वहां पर जो है 3 पुत्र कौन कौन से थे, हाम, शेम और यपेत जो थे। अब हाम जो था, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि नूह को, उसने अपने पिता को नंगा देखा और अपने भाइयों से आके बखान कर दिया। कनान को जो था वो श्राप दिया था, और इसलिए कनान क्या था, शापित हो गया था, और उससे जो थी शापित जाति उत्पन्न हुई जिसको सिदोनियों कहते हैं, और वो उसी शापित जाति की इजाबेल जो थी वो थी। और इसराइल का राजा जो था उसने उसी से शादी करी है। पहला राजा 16 का 29 से 30 31 तक जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये वर्णन है। 874 BC से लेकर और 853 BC तक हाब राजा था। हाब राजा का अर्थ जो होता है वो होता है फादर्स, यानी ब्रदर्स, अंकल यानी पिता का भाई या अंकल जो है उसका वो होता है। ये अर्मी का पुत्र था जो इज़राइल पर 22 वर्षों तक जिसने राज किया, और परंतु यहोवा की दृष्टि में इसने वो काम किया आपने जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। हर प्रकार से उसने बुरे काम किए। और यहीं पर जो बात थी थुआथीरा के दूत के विषय में जो बात कर रहा है कि मुझे तेरे विरोध में कहना है, कि विरोध में क्या आप जैसे इजाबेल जैसे लोगों के जो काम करते हैं उन जैसे लोगों के को जो है तो अपने यहाँ बसने देता है और उनका आदर मान सम्मान करता है और उनको जो है अपने यहाँ रहने देता है। उनको रहने नहीं देना है, उनको अपने बीच में से निकाल देना है। यहाँ पर है इजाबेल का दूसरा घृणित काम क्या था। इजाबेल का अर्थ होता है पवित्र, और उसने बाल देवता और अन्य देवी देवताओं के लिए अपने आप को, ध्यान दीजिएगा, अपने आप को क्या करा था, पवित्र किया था। और जो परमेश्वर के लोग थे तथा भविष्यवक्ता थे उनको वे सताती थी और उनसे बाल तथा अन्य देवी देवताओं की उपासना करवाती थी और उनको मूर्ति का चढ़ा हुआ खाना खिलाती थी। अगर जो नहीं करता था तो उसके साथ जबरदस्ती करती थी, इसके बावजूद भी अगर कोई नहीं करता था तो वो उन्हें मार डालती थी। बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा कि वो उन्हें मार डालती थी। और पहला राजा 18 अध्याय और उसका 4 और 13 पद जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर जो था ओवदा जो था ये इजाबेल की इस सेना का जो था एक सेनापति था। इसको एक दो इसकी दो ड्यूटी थी। एक ड्यूटी तो इजाबेल हाब राजा ने लगाई थी एलिया को ढूंढने के लिए और उसको पकड़वा कर राजा के पास सौंपने के लिए ताकि एलिया को मार डाला जाए, और दूसरा वो जो था इजाबेल और हाब राजा से छुप कर करता था क्योंकि वो उनकी सेना का सेनापति जरूर था परंतु वो परमेश्वर का भय मानता था। इसलिए जितने दास जो परमेश्वर इजाबेल जिनको मार डालने के लिए ढूंढती थी या पकड़वाने के लिए अपने सैनिक भेजती थी ये उनको एक खो में छुपा कर उनका पालन पोषण करता था। और कम से कम 50 सेवकों को इसने क्या करा था, इसने छुपा कर रखा था और उनका पालन पोषण करता था। आप सोचिए कितना मतलब वो जो थी। और ये जो रानी इजाबेल थी ये एलिया नबी के पीछे जो थी पीछे पड़ गई थी और उसको मार डालना चाहती थी। और परमेश्वर जो था इस बात से जो था बहुत नाराज था, और इतना नाराज था कि परमेश्वर ने एलिया नबी के द्वारा ये भविष्यवाणी करी कि इजाबेल को क्या करेंगे, इसको इसकी पूरी बॉडी को कुत्ते खा जाएंगे और जो अहाब राजा है इसके खून को कुत्ते चाटेंगे। और परमेश्वर का वचन जो है जब आप पढ़ेंगे दूसरा राजा 9 अध्याय को आप पूरा पढ़ लीजिएगा, जब आप उसको पढ़ेंगे तो वहां पर यही है कि एहू आ रहा था
और रानी इजाबेल जब उसे देखने के लिए खिड़की से झांक रही थी तो एहू ने अपने खोजों से कहा कि इसको नीचे गिरा दो, और उसको नीचे गिरा दिया गया और उसको कुत्तों ने खा लिया। और जब आहाब राजा मारा गया तो उसका खून जो रक्त पे बहाया गया था, तो वहां पर जब उसके रक्त को धोया गया तो कुत्तों ने आकर उसके रक्त को चाटा। यहां पर विरोध वाली बात क्या है कि ऐसे घृणित लोगों को, ऐसे घृणित काम करने वालों को जब आप अपने चर्च में, जब आप अपने घर में, जब आप अपने जीवन में जगह देते हैं, मान सम्मान देते हैं, तो आप निश्चित जानिए कि उस चर्च की, उस परिवार की और उस जीवन की आत्मिकता कभी भी बरकरार बनी नहीं रह सकती है। वो आत्मिकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो अपने इन गंदे कामों के द्वारा आपके उस चर्च के अंदर गंदगी फैलाएंगे, आपके जीवन में गंदगी फैलाएंगे और आपके परिवार में गंदगी फैलाएंगे। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि तू उन्हें निकाल के बाहर खड़ा कर, ताकि ये गंदगी फैलाने ना बन पाए और दूसरे लोग जो हैं इसके द्वारा जो है इसकी चपेट में ना आए। इसलिए वो कह रहा है कि मैं तेरे विरोध में हूं, क्योंकि तूने ऐसे लोगों को रहने दिया, क्यों नहीं हटाया, क्यों तूने गंदगी को जो है वो बनाए रखा, क्योंकि प्रभु जो है पवित्रता में वास करता है, अशुद्धता में नहीं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज के अंदर ऐसी गंदगियों को दूर करना है और ऐसे लोगों से दूर रहना है, ताकि हमारी पवित्रता, हमारी धार्मिकता जो प्रभु की ओर से, आत्मा की ओर से मिलती है, वो खंडित ना होने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।